बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जो सभी से जुड़ी हुई है, यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिजर्व बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ा फैसला आया है। रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट लेने पर, बैंक के डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी से डिपॉजिट पर रोक लगा दी गई है, नियमों का पालन न करने पर यह बड़ी कार्रवाई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ग्राहक पैसा निकाल सकते हैं। पेटीएम पर आरबीआई का बड़ा एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस नहीं, आरबीआई की तरफ से इसे तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पेटीएम पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सर्विस बंद होगी, नए ग्राहक भी पेटीएम अभी नहीं जोड़ पाएगा। पेटीएम को लेकर आरबीआई का बड़ा एक्शन, आरबीआई की तरफ से तगड़ा झटका पेटीएम को दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेमेंट से जुड़ी खबर, आपसे जुड़ी खबर, हर किसी से जुड़ी खबर, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर यह बड़ा फैसला। डिपॉजिट, रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट लेने से रोक लगा दी है। 29 फरवरी से डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी गई है, नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ग्राहक अपना पैसा निकाल सकता है, लेकिन बैंक अब डिपॉजिट नहीं लेगा। पेटीएम पर आरबीआई का यह बड़ा एक्शन, 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस नहीं, तगड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है, नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सर्विस बंद रहेगी, और तो और नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगी हुई है। यह बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। पेटीएम को लेकर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वॉलेट और यूपीआई में पेटीएम है।